आज जब पूरा देश तिरंगे को फहराने के जतन में जुटा हुआ है, स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने की तैयारी की जा रही है, ऐसे में एक स्थान ऐसा भी है जिसकी स्थापना तिरंगा फहराने के लिए ही हुई है, लेकिन वहां तिरंगा फहराया नहीं जा रहा है। लाखों रुपए जिस तिरंगे को फहराने के लिए खर्च किए गए हैं, उसका उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पा रहा है। हम बात उस तिरंगे की कर रहे हैं जिसे रेल प्रशासन ने करीब 10 लाख रुपए खर्च कर बैतूल रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया था, लेकिन यहाँ एम मौके पर तिरंगा नहीं फहराया जा रहा है। इसके पीछे तकनीकी परेशानी बताई जा रही है, लेकिन इसे लगाने वाली कंपनी यहाँ गुणवत्ताहीन झंडे लगाए जाने का आरोप लगा रही है। पीएम के आह्वान पर पूरा देश हर घर तिरंगा अभियान से सराबोर है, ऐसे में हर घर, दफ्तर, प्रतिष्ठान, यहां तक कि वाहनों में भी झंडे लहराते नजर आ रहे हैं, लेकिन बैतूल रेलवे स्टेशन पर तिरंगा फहराने से इंकार कर दिया है। यहां 2019 में 100 फुट ऊंचाई का खंभा लगाया गया था। नागपुर की AMY कंपनी को लगभग 10 लाख रुपए में इसका ठेका दिया गया था। कंपनी ने यह खंभा लगाया भी और उस पर तिरंगा भी फहरा दिया, लेकिन साल 2020 से 23 सालों में यहां 24 से ज़्यादा तिरंगे फट चुके हैं, जिसके चलते अब यहां तिरंगा फहराने से मना कर दिया गया है। रेल प्रशासन ने यह खंभा और उस पर तिरंगा स्थापित कर इसे रेलवे सुरक्षा बल को हस्तांतरित कर दिया था। RPF पोस्ट बैतूल के निरीक्षक KB सिंह के मुताबिक इस तिरंगे और खंभे की देखरेख की जिम्मेदारी रेलवे के IOW विभाग और इसे फहराने, चढ़ाने, उतारने की जिम्मेदारी रेलवे के ही इलेक्ट्रिक विभाग को दी गई है। 100 फुट लंबे खंभे पर 30 फुट लंबा, 20 फुट चौड़ा तिरंगा फहराया जाता है। 2020 में यह 10 बार, 2021 में 11 और इस साल अब तक 3 बार फट चुका है। यह केसरिया रंग के पास से ही फट रहा है। इसे लेकर RPF ने रेलवे के IOW शाखा को 3 बार पत्र लिखा है। उन्हें कहा गया है कि वे खंभे का भौतिक परीक्षण करवाएं ताकि पता चल सके कि झंडे बार बार क्यों फट रहे हैं। इसके लिए पोल की जांच कराई जाए। RPF के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त कार्यालय ने भी जब तक जाँच नहीं हो जाती यहाँ झंडा फहराने से मना कर दिया है। हाल ही में यहाँ 8 अगस्त को झंडा फटने के बाद इसे उतार लिया गया, तब से यहाँ नया तिरंगा नहीं लगाया गया है। जानकारी मिली है कि हर बार झंडे फटने पर RPF इसे कोटेशन के जरिए मुंबई से बुलवाती है, जिसकी कीमत 10,000 रुपये से अधिक है, जबकि खंभा और झंडा लगाने वाली कंपनी AMY के संचालक योगेश का दावा है कि खंभे में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है, जो तिरंगे लगाए जा रहे हैं गुणवत्ताहीन हैं। उनकी कंपनी ने यहाँ करीब 29,000 कीमत का झंडा लगाया था। संभवतः कम कीमत की वजह से झंडे अच्छी क्वालिटी के नहीं आ रहे हैं। वे 15 अगस्त के बाद इसे देखने इधर स्टेशन पर झंडा ना फहराने से नाराजगी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के रमेश भाटिया ने कहा कि जब पूरा देश झंडा फहरा रहा है, स्टेशन पर झंडा ना फहराना दुख देता है। यह रेल प्रशासन की घोर लापरवाही है। सर, चूंकि पॉल का उनके द्वारा संबंधित IOW द्वारा वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन संबंधित कंपनी के माध्यम से नहीं कराया गया है, तो इसमें क्लियर आदेश है कि जब तक ना कराया जाए तब तक झंडा ना लगाए। शक यह है कि झंडे का जो कपड़ा है उसकी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रही है रेलवे, जिसके कारण हर दूसरे महीने में, हर तीसरे महीने में झंडा या तो फट जाता है या फिर उसकी सिलाइयाँ उधड़ जाती है कलर की, उसके कारण ये आधी रात में उतारते हैं कि दिन में उतारते हैं कोई पता नहीं चलता।